कोरोना वायरस का अब एक नया स्वरूप AY12 सामने आया है। वैज्ञानिक पहले इसे डेल्टा का ही भाग मान रहे थे, लेकिन इसकी सक्रियता की वजह से वैज्ञानिकों को इसे अलग से वर्गीकृत करना पड़ा है। भारतीय वैज्ञानिकों में अब नए स्वरूप को लेकर चिंता बढ़ गई है। देश भर की प्रयोगशालाओं से कहा गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान AY12 म्यूटेशन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी रख रहे इंसाकॉन ने सभी प्रयोगशालाओं के लिए अलर्ट भी जारी किया है। इंसाकॉन के अनुसार कोरोना वायरस के नए स्वरूप AY12 के बारे में बहुत अधिक जानकारी विज्ञान के पास भी नहीं है। इस म्यूटेशन का कितना असर पड़ रहा है ये आगामी दिनों में पता चलेगा, लेकिन अब तक ये पता चल चुका है कि दुनिया भर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट में 13 म्यूटेशन हुए हैं, जिनमें ये एक है, और भारत में भी इसके मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया में 33,000 सैंपल में AY12 की पुष्टि। इंसाकॉन के एक वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बताया है कि AY12 म्यूटेशन को लेकर अभी अध्ययन चल रहा है। इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये पता चला है कि दुनिया भर में 33,000 से ज्यादा सैंपल में इसकी पुष्टि हो चुकी है, जो कि डेल्टा के अन्य म्यूटेशन की तुलना में सबसे अधिक है। उन्होंने बताया कि AY12 डेल्टा का ही एक उपवंश है, जो अब तक कई राज्यों में देखा जा रहा है, लेकिन इसकी संख्या की बारीकी से जांच करने की जरूरत है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि डेल्टा और AY12 के बीच प्रभावों में क्या अंतर है। अभी इतना ही कहा जा सकता है कि ये दोनों बहुत समान प्रतीत होते हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।